हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं आपको लेके जाऊंगी होसुर के पैंटालूंस के ब्रांच। तो हम लोग इतने साल रहने के बाद कभी भी पैंटालूंस होसुर में नहीं गए थे, तो सोचा है वहाँ पर जाते हैं। तो होसुर के ब्रांच में जाने के लिए हमारे घर से लोकेशन है 13 किलोमीटर और जो अतिवले के बस स्टॉप से आई थिंक 8 to 9 किलोमीटर लगेगा आपको। तो सबसे पहले मैंने डोर को अच्छे से लॉक किया है और गूगू नहीं था बाहर, गूगल नहीं थे इसलिए मैंने उसको नहीं दिखा पाई, वो अंदर था मम्मी के पास। फिर यहाँ पे मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ क्योंकि हमारा पार्किंग थोड़ा दूर है, तो वॉक करके मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। तो चलिए जाते हैं पैंटालूंस पे। यहाँ पे स्टार्ट किया हम लोगों का ड्राइविंग, तो रोड थोड़ा डार्क है तो जा रहे स्लोली स्लोली ड्राइव करते हुए पैंटालूंस में। तो वहाँ पे अच्छा ऐसा कोई शॉपिंग्स का कुछ प्लान नहीं है, जाते अगर कुछ पसंद आ जाए तो लेके आते, नहीं तो ऐसे ही जस्ट फॉर ड्राइव यू आर गोइंग देयर। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं पैंटालूंस पे, रोड के उस तरफ है, दिख रहा है आप लोगों को उसका नेम प्लेट। तो हाँ, हम लोगों को लगा है 15 to 20 मिनट्स वाइल ड्राइविंग। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया पता है, फर्स्ट हम लोग घर से निकल के बिदरगू पे जो है वहाँ से लेफ्ट लेके हम अंदर की तरफ एक रोड है, वो थोड़ा रिस्की तो नहीं है बट हाँ बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि थोड़ा सा ना फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया है। तो उस रोड से हम लोग आ गए शॉर्टकट से क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग हाईवे कैचअप किए, फिर वी रीच टू हेयर। तीन लोग का तो मतलब सामने कुछ पार्किंग का फैसिलिटी नहीं है, वो मतलब नीचे बेसमेंट में पार्किंग है। तो मैं आपको दिखाऊंगी हाउ इज़ द पार्किंग एरिया। तो स्लोली जाना होता है यहाँ पे क्योंकि बोथ साइड रोड है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो स्लोली स्लोली हम लोग जा रहे हैं। तो यह बेसमेंट इन लोगों का पार्किंग, अच्छा खासा पार्किंग है। तो हम लोग इतना स्लो क्यों जा रहे हैं क्योंकि ये जो स्पेस है बहुत नैरो है, तो गाड़ी लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर बड़ा व्हीकल हो तो एक्चुअली डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे से जा रहे हैं उधर। चलिए अभी गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाने के लिए आपको दो रास्ता है, एक लिफ्ट है और एक स्टेयरकेस। तो फर्स्ट फ्लोर है तो मैं लिफ्ट में चढ़ के आ गई हूँ, थोड़ा लिफ्ट दिखना था। तो वहाँ से उतरने के बाद ये फर्स्ट फ्लोर है, थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पैंटालूंस है, तो ये है गर्ल्स का पूरा सेक्शन और यहाँ पे किड्स सेक्शन है, मतलब सेम फ्लोर में किड्स सेक्शन और गर्ल्स का सेक्शन है। और यहाँ पे इनका इन लोगों का बिलिंग काउंटर है, बिलिंग काउंटर है ओनली 2 पर्सन है, लाइक बिलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर सैटरडे संडे हुआ तो। और लोगों का फर्स्ट फ्लोर में है बॉयज़ का सेक्शन, तो बॉयज़ के सेक्शन में मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे और मैंने अपना शॉपिंग कर लिया, मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने शॉपिंग के बाद वीडियो करना स्टार्ट किया। तो देखिए बहुत अच्छा खासा ब्रांच है, बहुत सारा कलेक्शन है, आपको बहुत पसंद आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना सारे चीज़ों का MRP है, 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं है। देखो ये इनको क्या भाग क्यों रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, एक आदमी जो है मतलब टैग को नहीं, मतलब पता नहीं कुछ तो है इंसिडेंट है, लोग बहुत लाउडली बोल रहे थे उधर तमिल में, मुझे समझ में नहीं आया ठीक से, बट हाँ एक लोग ना वो थोड़ा कुछ लेके जा रहे थे तो सिक्योरिटी ने उसको पकड़ा, इसलिए उसको ऐसे भागा दौड़ी हो रहा था उस सिचुएशन में। तो देखिए बहुत ही सारा कलेक्शन, न्यू अराइवल जीन्स, कॉर्सेट्स और कुर्ती, समर, बहुत सारा है कलेक्शन और पता नहीं फंस में बताए थे बहुत ज़्यादा होगा। और इसका एंट्रेंस हो गया शॉपिंग, हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ पे मैं स्टेयर कैसे नीचे जा रही हूँ, घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या खरीद के लाए हम लोग। तो मेरे वीडियो में आगे तक बने रहिए प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए यहाँ पर जा रही स्लोली फिर वॉक करते हुए, यहाँ पे थोड़ा इशू होगा लाइक जिनके पास बड़ा सा व्हीकल है इन लोग का ना, वो मुझे तो इतना टेक्निकल नहीं पता जो गाड़ी को कैसे पार्क करते, उसको सीधा नहीं पार्क करना होता ऐसे ना, देखिए अगर हमें तो ऐसा करके पता नहीं क्या है इन लोगों का, मतलब सीधा पार्क करेगा तो जगह नहीं रहता कुछ तो है। यहाँ पर आके मैं बैठ गई अंदर।
तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए लोबो दिख रहा है बिल्डिंग का, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग कितना टाइम लगा, 15-20 मिनट लगा है। अभी तो 2-3 मिनट के अंदर पार्क करके ऊपर आ जाएंगे घर के ऊपर। तो यहाँ पे गूगल बहुत ज़्यादा खुश है, कोई बाहर घर के जो लोग है जो वापस आ रहे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखो कितने एक्साइटेड है वो। हेलो वेलकम अगेन, सो आई बैक फ्रॉम द पैंटालूंस। मैं पैंटालूंस से आ गई वापस, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई हूँ, मेरा हस्बैंड का कुछ जिम का 2 टी शर्ट्स और मेरे लिए एक जॉगर और एक जीन्स जो मुझे चाहिए था ऑफिस के लिए। तो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ ना। हमारा घर तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं गई थी पैंटालूंस। तो ये जो पैंटालूंस है होसूर के पास में, तो हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किया है वहाँ पर। तो वहाँ पे जाके तो ये फर्स्ट जो है टी शर्ट्स ये मेरा नहीं है, ये मेरा हस्बैंड का है। वो जिम वेयर है तो उनके लिए लेके आए हैं। इसका जो साइज है मैं आपको बता देती हूँ, दिस साइज इज XXL। और इसका जो MRP है 399 रुपीज़, 1 रुपीज़ कम वो 100 रुपीज़। यहाँ पर देखिए महाराज को कुछ नहीं कर सकते। तो दिस टी शर्ट ही बोलो दिस, और ये दूसरा टी शर्ट्स ये भी है वहाँ से, द सेम कॉस्ट 399 रुपीज़। और XXL का साइज है और ऐसा है, तो जिम के लिए अच्छा है। दिस इज फॉर बॉयज, ये मेरा नहीं है, जिम के लिए। और ए मैं लेके आई हूँ मेरे लिए जॉगर, मुझे चाहिए था जॉगर। ये मेरा 20 साइज का है और इसका कलर बहुत अच्छा है। इसका फैब्रिक जो है कॉटन पे है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो कॉस्ट है ये है 1299, इज 1300 रुपीज़। और ये बहुत क्यूट है। एंड हियर इज अ जीन्स, ये मेरा ऑफिस वेयर के लिए, मैं ऑफिस में जब जाऊँगी इसको पहन के जाऊँगी। और ये भी 28 साइज में है, तो मेरा साइज जो है 28 साइज। और इसका जो MRP है थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1700 रुपीज़। और ये बहुत क्यूट है। और दो पैंटालूंस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।